गाइज वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। हाउ यू गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे उनकी करंट फीलिंग, एनर्जीज, थाट्स आपके लिए क्या हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। एंड डेफिनेटली हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। सो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके क्लियर करूँगी, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और आज मैं हैंड रिटन मैसेजेस का यूज़ कर रही हूँ, इसके साथ हम टैरो कार्ड्स भी देखेंगे। सो ये एनर्जाइज्ड किए हुए मैसेजेस हैं, मैंने इनको एनर्जाइज्ड किया ताकि मैं इनको रीडिंग में यूज़ कर सकूँ। जो भी हैंड रिटन मैसेजेस भी यूज़ होते हैं, या फिर मैं बोलूँ जो भी रीडिंग के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं, उनको पहले एनर्जाइज्ड किया जाता है, देन उसके बाद में ही यूज़ किया जाता है। सो ये एनर्जाइज्ड मैसेजेस हैं जिनका मैं इस्तेमाल करूँगी आज की रीडिंग में। रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उन पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो पर्सनल रीडिंग है वो फ्री नहीं है गाइज। सो करियर रीडिंग, लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड दूसरी बात, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ रीडिंग की, तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। फ्रेंड के लिए, क्रश के लिए डेफिनेटली आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी मिले या आप जब भी इस तक पहुँचे, आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस आते हैं। सो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स सी, क्योंकि हमारे अंदर से एक वाइब जो है वो निकलती है। सो वो वाइब्स जो है हमारे, हमसे जुड़े हुए लोगों तक जाती है हमारी, स्पेशली उन तक जिनके बारे में हम सोचते हैं। सो पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी तो जब आप उनके बारे में सोचोगे तो आपकी उन तक पॉजिटिव वाइब्स ही पहुंचेंगी। तो इसलिए जो है पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैरिज, पहला कार्ड हमें मिला मैरिज का। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ट्विन फ्लेम्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन, रिकंसिलेशन, Overthinking, get together, emotional attachment, age difference, शेयरिंग ऑफ इमोशंस। बॉटम ऑफ द डेक से आया है कमिटमेंट फोबिया। यहाँ पर है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और यहाँ पर है कमिटमेंट फोबिया। सो सारे मैसेजेस एकदम क्लियर हैं यहाँ पर। अब मैं आपको एक एक मैसेज को क्लियर करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो ये एक ट्विन कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड है।
सो एक ट्विन कनेक्शन की वाइब्स है, पास्ट लाइफ कनेक्शन की भी वाइब्स है. अब ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है, ट्विन्स एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन. लाइक ये एक ट्विन कनेक्शन है जिसमें पास्ट लाइफ कर्माज का साइकिल है, ठीक है. पास्ट लाइफ कनेक्शन हमेशा वो कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि उनमें हमें अपना कर्मा पे करना होता है. यू नो, हमारे साथ जो भी घटित होता है हम कर्मा ही पे कर रहे होते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शंस में. जो हमारा पास्ट लाइफ में रह गया था, कुछ बातें ऐसी रह गई थी जो कि हम इस लाइफ में उसको पूरा कर रहे हैं. यू नो, कुछ ना कुछ जुड़ा होता है पास्ट लाइफ का, इसीलिए हम उसको पास्ट लाइफ कनेक्शन कहते हैं. बट यहाँ पर ट्विन्स के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन आया है, इसका मतलब ये है कि आपका है तो उनके साथ इस लाइफ में ट्विन कनेक्शन. बट जैसे कि ट्विन जर्नी, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस की जर्नी होती है, वो किस तरीके की होती है कि अगर उनको एक जन्म में, यानी कि इस लाइफ में, जैसे मान लो कि पास्ट की लाइफ थी उसमें अगर आप दोनों को सक्सेस नहीं मिल पाए कनेक्शन में, किसी की वजह से आप एक नहीं हो पाए, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप एक नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन कंटिन्यू होता है नेक्स्ट लाइफ में. एंड इधर भी नहीं तो फिर नेक्स्ट लाइफ में. तो ये लाइफ में यू नो, ये एक जर्नी है, साइकिल है, इसमें इनर वर्क लगता है, इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, तब जा करके ये कनेक्शन कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो पाता है. सबसे टफ कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही होता है. अब इसमें क्या है कि पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कर्मा भी आप यू नो कार्मिक साइकिल्स में बंधे हुए हो. वैसे तो आप ट्विन कनेक्शन में हो, लेकिन पास्ट लाइफ का जो कर्मा साइकिल है वो कहीं ना कहीं इस लाइफ में भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आपको चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं. एंड एज डिफरेंस का यहाँ पर कार्ड आया है. ट्विन फ्लेम्स में ऐसा होता है, एज का बहुत बड़े लेवल पर डिफरेंस होता है, जहाँ पर जितनी ट्विन्स एक दूसरे को मिरर करते हैं ना, कि एक एक जैसी ही चीज़ें होती हैं उनके अंदर ज़्यादातर, वहीं पर एज का ख़ास तौर पर उनमें फ़र्क होता है. एक यू नो साइन है ये ट्विन कनेक्शन का, कि जहाँ पर एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर एज डिफरेंस हो और ट्विन कनेक्शन की भी वाइब्स हो, तो ट्विन कनेक्शन में ये बिल्कुल नॉर्मल है एज का डिफरेंस होना, ठीक है. तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है, बिकॉज ये जो है लाइफ, हर लाइफ में कहीं ना कहीं अगर सक्सेसफुल नहीं होता इनका रिश्ता, तो हर लाइफ में मिलते हैं, तो किसी का जन्म पहले किसी का बाद में, तो वो एज का डिफरेंस अपने आप आ जाता है, ठीक है. सो कहीं ना कहीं ट्विन कनेक्शंस में एज का डिफरेंस बहुत बड़े लेवल पर पाया जाता है, हमेशा ज़्यादातर ट्विन कनेक्शंस में एज डिफरेंस देखने को मिलता ही मिलता है. तो वो एज डिफरेंस है जो कि आज के टाइम को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये कि यार वो मुझसे बड़ी है या वो मुझसे बहुत छोटा है, कैसे यू नो शादी कर सकते हैं, कैसे एक हो सकते हैं, एक बड़ा चैलेंज बन जाता है. खासतौर पर पार्टनर्स अगर अंडरस्टैंड करें तो फैमिली वाले नहीं करेंगे, फैमिली वाले करें तो सोसाइटी नहीं करेगी, सोसाइटी बाद में आती है, रिश्तेदार नहीं करेंगे, फिर रिश्तेदार के बाद में सोसाइटी आती है. सो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है. सो यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर के इशू रहे, क्योंकि आपके पार्टनर को कमिटमेंट का फोबिया है, वो कमिटमेंट से भागते हैं, कमिटमेंट कभी देते नहीं है, कमिटमेंट की ही वजह से आर्ग्यूमेंट होते हैं, कमिटमेंट की वजह से ही मनमुटाव होते हैं. एंड आप चाहते हो शादी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आप चाहते हो कि हम दोनों जो है एक कमिटमेंट में हो और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिले मुझे, और यू नो बात तो पक्की हो जाए एक बार की शादी होनी होनी है, एक बार हाँ तो बोल दे, तो आप वो चीज़ चाहते हो इनके साथ. बट ये ओवर थिंक बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है. एक इमोशनल अटैचमेंट आपसे है, ठीक है, और बहुत सारी बातें आपसे शेयर भी करते हैं. लाइक ये कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच तो हैं आपसे, ये नहीं दिखता कि भाई इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं, ये आप में इंटरेस्टेड हैं, इनको एक इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ है, और ये अपनी सारी दिल की बातें आपसे शेयर भी करते हैं, बिकॉज़ ये आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इनका आपसे मिलने का भी मन करता है, ये आपसे मिलना भी चाहते हैं. बट यू नो ओवर थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. एंड जैसे कि यहाँ पर रिकंसिलेशन का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि अभी शायद आप दोनों बहुत, आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, या फिर आप दोनों की ज़्यादा बातें नहीं हो रही है, इसीलिए तो यहाँ पर रिकंसिलेशन का कार्ड आया है. सो आई फील कि अभी सेपरेशन चल रहा है और आप चाहते हो कि रिकंसिलेशन हो, चाहते तो आपके पार्टनर भी हैं, बट आपके पार्टनर का क्या है कि उनके पास क्लियर जवाब नहीं है आपके लिए, कि वो कमिटमेंट का जो होता है ना कि
अगर हम एक रिश्ते में रह रहे हैं, अगर हम एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सालों पे साल बीतती जा रही है, टाइम बीतता जा रहा है, तो एक प्रेशर होता है कि जब हम इतने साल किसी के साथ कनेक्शन में रहे हैं तो डेफिनेटली कमिटमेंट तो बनती है, अदरवाइज इतना साल रहना ही सही बात नहीं थी रिलेशनशिप में, या फिर पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए था। तो उस चीज़ का डर है इनको, इसलिए कहीं ना कहीं ओवर थिंक में चले जाते हैं कि मुझे रिकन्सिलेशन, क्योंकि मिलने का मन करता है लेकिन ओवर थिंक में चले जाते हैं कि मुझे रिकन्सिलेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं जितना लंबे समय तक कनेक्शन में रहूंगा मेरे ऊपर एक प्रेशर होगा, लोग भी मुझसे कहेंगे कि अगर तुझे कमिटमेंट नहीं देनी थी या फिर तुझे कमिटमेंट से प्रॉब्लम थी तो तू इतना लंबा रहा ही क्यों रिलेशनशिप में। हर कोई उनसे ये बात कहेगा और हर कोई आपको ये कहेगा कि उसने चीट कर दिया, वरना इतने टाइम तक अगर कमिटमेंट नहीं देनी थी तो वो क्यों रहा रिलेशनशिप में। यू नो, नॉर्मल सा एक बात है ये जो कि हर किसी के दिमाग में आएगी। तो ये वही बात इनके दिमाग में भी चल रही है कि अगर मैं रिकन्सिलेशन, मतलब मुझे मिलने का मन करता है, एक इमोशनल अटैचमेंट है और अपने दिल की बातें यू नो कहे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा इमोशंस है उसके लिए, लेकिन अगर मैं रिकन्सिलेशन करता हूँ तो फिर मुझे कमिटमेंट देनी चाहिए, अदरवाइज यू नो लोग मुझे ही चीटर बोलेंगे, मुझे ही धोखेबाज बोलेंगे, मुझे ही बोलेंगे कि ये तो बस यू नो टाइम पास के लिए था और भग गया बेवकूफ़ बना के। सो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रही हैं। और कमिटमेंट से इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, या तो फैमिली इश्यूज़ की वजह से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या फिर यू नो इनको कमिटमेंट से ही प्रॉब्लम है कि ये कोई कमिटमेंट में रहना नहीं चाहते हैं। क्योंकि कमिटमेंट कुछ लोगों का क्या लगता है कि बंधन लगता है कि किसी ने हमें पकड़ के बांध दिया कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है। तो आई थिंक इनकी वैसी सोच है या फिर फैमिली इश्यूज़ है जिसकी वजह से ये कमिटमेंट को लेकर के इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं और कोई क्लियरिटी नहीं देते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी साइड से बिल्कुल क्लियरली दिख रही है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं क्या आता है। फोर ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, द फूल, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है हायरोफेंट। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको, हायरोफेंट वैसे फैमिली शूज का कार्ड है। ओके, अगर मैं यहाँ पर आपको साइन वगैरह बताऊँ तो यहाँ पर जो साइन है वो है स्ट्रांगली लियो कैप्रिकॉन। ठीक है, ये मुझे बहुत स्ट्रांग साइन यहाँ पर नज़र आता है। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर जो है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, मेष सिंह धनु राशि, सिंह राशि और मकर राशि, बहुत स्ट्रांगली ये साइन मुझे दिखते हैं। नंबर की बात करूँ, नंबर 4, नंबर 15, नंबर 8, नंबर अगेन 4, 3, नंबर 13, नंबर 1, नंबर 21 एंड नंबर 5, तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें से मुझे नंबर 4 बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो नंबर 4 बहुत स्ट्रांग है। और उसी के साथ अगर मैं मंथ की बात करूँ तो अप्रैल का मंथ, ठीक है, एंड जून का मंथ, और उसी के साथ जो है अगस्त का मंथ, ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। सी, आपके जो पार्टनर हैं आपसे प्यार करते हैं, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ये आपसे प्यार करते हैं,
ये कहीं ना कहीं आपके साथ रहना भी चाहते हैं, बिकॉज इनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है, बिकॉज आपके साथ इनको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ये उन पलों को भी याद करते हैं। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, या फिर आपके बिना रह पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। सो यू नो, फीलिंग्स तो है, इमोशंस तो है, लेकिन थोड़े से परेशान भी नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इस कनेक्शन के लिए इनको ना सरेंडर करना ज़्यादा इजी लगता है बजाय स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं हो रही है इनकी इस कनेक्शन के लिए कि ये कैसे स्टैंड ले। लाइक कुछ ना कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम है इनके सामने, जिसकी वजह से इनको स्टैंड लेने में बहुत डर लग रहा है, ठीक है। बट इनको इजी लगता है सरेंडर करना। ये चाहते हैं कि जैसा फ्लो में चीज़ें चल रही है चलने देते हैं। आज इसका सोच के क्या फ़ायदा है, हो सकता है कि आप इनको बोल रहे हो कमिटमेंट के लिए, तो इनकी सोच ये है कि मुझसे ये सवाल किया ही ना जाए, मुझसे इसका आंसर मांगा ही ना जाए, बल्कि इसके बजाय ऐसा हो कि जैसा चल रहा है बस चलने दिया जाए, और जैसा भी है हम इंजॉय करते रहे अपनी लाइफ को, आगे देखेंगे जो होगा। सो ये एक मैं बोलूँ कि मैच्योरिटी वाली बात नहीं है, ऐसी बात बहुत इमैच्योर लोग करते हैं, बिकॉज मैच्योर लोगों का यही होता है कि भाई हम किसी कनेक्शन में हैं तो हम सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ ऐसे ही छोड़ देंगे। एक डिसीज़न तो लेना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल। तो किसी का बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करके आप कोई डिसीज़न लोगे उससे क्या मतलब है। और फिर आप इनके साथ बने रहते हो साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल आप इनके साथ रहते हो, और उसके बाद में ये बोल दे कि मैं नहीं दे सकता कमिटमेंट, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इंसान अगर किसी चीज़ के साथ आगे कंटिन्यू करेगा तो कम से कम एक क्लियरिटी तो हो कि हाँ ये बंदा मेरे लिए स्टैंड लेगा, ये बंदा मेरे लिए स्टैंड लेगा ही नहीं, मुझे कमिटमेंट भी देगा। क्योंकि जब हम किसी के साथ 10-20 साल तक कनेक्शन में रहेंगे, हमें भी कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी तो फील होनी चाहिए ना। तो ये काफ़ी ऐसी बचकानी सोच रखते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, क्योंकि इशू है यहाँ पर कमिटमेंट का बहुत बड़ा इशू है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। ये बहुत सोचते हैं, इमेजिन बहुत करते हैं, इनको ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप इनके आसपास ही हो, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है कि अपनी लाइफ में कि आप इनके आसपास ही हो, बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव हो, ये मुझे नज़र आता है, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपकी स्माइल इनको बहुत अच्छी लगती है ना, आपकी लाइफ को जीने का तरीका, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जीते हो ना, वो इनको पसंद है। आपकी ओवरऑल लाइफ को लेकर के बहुत एक्साइटेड है, आपका जो रहन सहन है, आपका जो भी तौर तरीका है ना अपनी लाइफ को जीने का, इनको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़, एंड इसीलिए इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है। आप एक खुश मिजाज इंसान हो, आप हंसते रहते हो, बहुत ज़्यादा हंसमुख हो, सो आई थिंक ये चीज़ उनको अच्छी लगती है, क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब्स आपसे इनको मिलती हैं। हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस पे मिले हो, मे बी आप दोनों साथ में काम करते हो, या कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो ये भी नज़र आता है कि शायद आप वर्क प्लेस में ही मिले हो दोनों एक दूसरे से, एंड ये इनका सिंपल सा जो मुझे दिख रहा है वो ये कि ये कुछ और चाह रहे हैं, आप कुछ और चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि मुझे स्टेबिलिटी मिले रिलेशनशिप में और कमिटमेंट भी मिले, क्योंकि अगर मैं कहीं टाइम दे रही हूँ तो मुझे एक आश्वासन तो वहाँ से मिले। मैं ऐसे कैसे भ्रम में रह सकती हूँ, ऐसे तो मैं सिर्फ कुछ भी सोच के नहीं रह सकती ना, मुझे कुछ ना कुछ तो क्लियरिटी चाहिए। और इनकी सोच क्या है कि उस चीज़ से परेशान है, क्योंकि इनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि इनके पास क्लियर कहने को ना देने को कमिटमेंट कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ और सोच रहे, ये सोच रहे कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। आप सोच रहे हो कि नहीं, पहले मुझे क्लियरिटी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट चाहिए, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। एंड आपका सोचना कहीं ना कहीं ठीक है, बिकॉज जब ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, आपका भी टाइम निकल जाएगा, तो फिर ये बाद में मना भी करते, तो फिर एक तो इतना टाइम एक साथ बिताया तो उस इंसान को भूल पाना बहुत मुश्किल है, एक तो उस चीज़ की तकलीफ। दूसरा ये कि टाइम भी निकल गया, हम मूव ऑन भी करते तो एक टाइम था हमारे पास, जो भी निकल गया, अब मूव ऑन करने के लिए भी क्या बचा, और अब नहीं करना है। इंसान थक जाता है एक टाइम पे जाकर के, यार अब इस टाइम पे जाकर के मैं क्या नया कुछ करूँ, कितना अजीब लगेगा, वो वाली एनर्जी आ जाती है फिर, ना तो इंसान इधर का रहता है ना उधर का रहता है और फिर कुछ लोगों का तो क्या होता है, प्रेशर होता है शादी का, तो उन लोगों को जल्दी चाहिए होती है वो चीज़। सो ये उस बात को नहीं समझ रहे हैं, इनको
एक्चुअली गलती देखी जाए तो इनकी भी नहीं, बिकॉज़ ये भी किसी ना किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, इसलिए ये कमिटमेंट से भागते हैं, बिकॉज़ इनको भी कोई ना कोई चीज़ परेशान कर ही रही है जिसकी वजह से आपको वो क्लियरिटी नहीं दे पा रहे। एक्चुअली यहाँ पर एनर्जी ये है कि रहना आप भी उनके साथ चाहते हो, रहना वो भी आपके साथ चाहते हैं, बस फ़र्क ये है कि आप कमिटमेंट चाहते हो और वो कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो देना नहीं चाहते, एक्चुअली वो दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, इस कनेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चीज़ नज़र आती है। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ में इनको लेकर के, अगर मैं एक गाइडेंस भी दूँ ओवरऑल एनर्जी को, ओवरऑल रीडिंग को देखते हुए, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इनके लिए आपको जो है हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, ठीक है। आपने अपने लाइफ में जो है एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा। या तो आप इनके साथ जल्द से जल्द इस चीज़ को क्लियर करो, इनसे ये बोलो कि भाई मुझे क्लियर कर दो ताकि मैं मूव ऑन करूँ, आगे बढ़ूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि स्टक रहने से कोई मतलब नहीं है। आई नो आप बहुत प्यार करते हो, आप खोना, आप भी कहोगे कि मैं खोना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे तो यही इंसान चाहिए, बट यू नो ज़बरदस्ती हम किसी को पा भी नहीं सकते, राइट। सो यहाँ पर वो चीज़ है कि तभी यू नो ट्विन कनेक्शंस बहुत मुश्किल होते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो नॉर्मल कनेक्शन में ना वो बहुत अच्छे हैं, उनको ऐसा उनको लगता है कि ट्विन कनेक्शन में कुछ खास है, सोलमेट में कुछ खास। और कुछ लोगों को तो ये भ्रम होता है कि ट्विन, सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन अगर हमारे किसी के साथ बनता है तो उसी के साथ शादी होगी, तो ये भी सिर्फ भ्रम है। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि अगर आपका ट्विन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है तो आपकी उनसे शादी होगी होगी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ इन सब चीज़ों में इनर वर्क लगता है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए वो लोग बहुत लकी है जो नॉर्मल कनेक्शन में है, क्योंकि मैं मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो नॉर्मल कनेक्शन होता है ना वो एक कच्चे घड़े की तरह होता है, जो कि अभी गीली उसकी मिट्टी है, उसको आप कोई भी शेप दे सकते हो, ठीक है, आप जैसा उसको बनाना चाहोगे आप वैसा उसको बना सकते हो। तो नॉर्मल कनेक्शन वैसे ही होते हैं, आपके एफर्ट्स, आपका प्यार, आपका फोकस सब उस पर निर्भर करता है कि आपका वो कनेक्शन कैसा बनेगा। आप उसको अंडरस्टैंडिंग और प्यार से भरना चाहते हो तो वो एक सोलमेट कनेक्शन बन जाएगा, अगर आप उसमें लड़ाई झगड़ा एंड मिसअंडरस्टैंडिंग पालोगे तो वो कार्मिक कनेक्शन बन जाएगा, लाइक वो एक कच्चे घड़े की तरह, आप उसको कोई भी शेप दे दो। सो बहुत अच्छा है नॉर्मल कनेक्शन, क्योंकि आप उसको अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो कि आपको क्या बनाना है। लेकिन जो इस जर्नी में होते हैं ट्विन की, सोलमेट की, कार्मिक में, कार्मिक जर्नी जो है, लेकिन उनके यही प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा, किसी को कमिटमेंट का, किसी को फैमिली का, किसी को सोसाइटी का, किसी को करियर का, सो यही आता है। और ट्विन कनेक्शन अगर है आपका तो मैं यही सलाह दूंगी कि सिर्फ करियर पर फोकस करो, इनके ऊपर जितना ध्यान दोगे, जितना पीछे भागोगे ये उतना दूर भागेंगे आपसे। अच्छा है कि आप भागने की बजाय स्टॉप करके इनसे ध्यान हटा करके करियर पर ध्यान दो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। करियर पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको कहीं ना कहीं यही सब देखने को मिलेगा। तो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपने फोकस करना अपने ऊपर, ठीक है। तो वही एक सोल्यूशन है ट्विन कनेक्शन के लिए और बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि ट्विन कनेक्शंस में ऐसा ही होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होगी, जितना आप डीपली घुसोगे ना उसमें, जितना आप अपने पार्टनर पर फोकस करोगे उतनी नई नई चीज़ें आएंगी, डाउट्स आएंगे, हर्ट होगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हमेशा मैं ट्विन कनेक्शन वालों को सलाह देती हूँ कि उन पर ध्यान उठा करके अपने काम पर ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर, उन पर ध्यान मत दो ज़्यादा। सो ये काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको, अपने करियर पर, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।